दोस्तों नमस्कार, ईपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में देखिए, आप पढ़ते हैं हम आया की संधि। इससे पहले हमने यण संधि के बारे में पढ़ा था, अब उसके बाद पढ़ रहे हैं आया की संधि। बिल्कुल सही है, यण संधि और आया की संधि के सिर्फ पूर्व पद में ही क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, तो इसके पूर्व पद में ही कोई परिवर्तन होता है, सिर्फ यण और अयादि संधि दोनों में। आप पहले हमने यण संधि पढ़ ली थी, अब पढ़ रहे हैं अयादि संधि। देखिए अयादि संधि का सूत्र क्या है, एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह। इसको संस्कृत में कैसे एक्सप्लेन किया है, एच क्रमाद के एच का क्रम से है, ए आओ आए आप इते स्यु अची के एच के स्थान पर क्रम से ए अब आए आव हो जाता है। क्या हो जाता है, ए अब आए आव हो जाता है। तो देखिए क्या है, आगे फिर और उसको थोड़ा सा बढ़ा के बताया है कि एच, एच की मतलब है एच प्रतिहार में आने वाले स्वर। जैसा मैंने बताया था एच प्रतिहार में कौन कौन से स्वर आते हैं, मैंने बनाना भी बताया था आपको कि एच प्रतिहार में ये स्वर आते हैं। तो उसमें देखो ए ओ आई औ, ये चार स्वर के स्थान पर क्रम से आए आव आए आव, जैसा कि हमारे सूत्र में है। हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, बिल्कुल सूत्र के अनुसार बता रहे हैं। तो क्रम से आए अब आए आव हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर हो। तो क्या हो, बाद में कोई भी स्वर हो, समान असमान कोई सा भी स्वर हो सकता है यदि बाद में। तो देखिए जैसे एच, एच के स्थान पर यानी एच की जगह पर जो होने वाले स्वर है वो है ए ओ आई औ, बाद में यानी ऊपर पद में उत्तर पद में कोई भी स्वर हो सकता है। क्योंकि जब ने में से ए को हटाएंगे तो ने घनत्व वाला बचेगा, उसके बाद हम इसकी जगह पर आय करेंगे, आय करेंगे उसके बाद फिर ये अनम शब्द जुड़ेगा। तो ये ए आकर के इसमें से अनंत को हटा देगा, ये शब्द बनेगा फिर आपका बच्चों नए अनंत वाला, और फिर अनम का ए आकर के इसमें से अनंत को हटा देगा और नम इसके पीछे जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा आपका नए नम। क्या बनेगा बच्चों, नैनम। बिल्कुल सही है, से प्लस अनम, तो एक ही जगह पर आए करेंगे तो सैनम शब्द बनेगा, हरे प्लस ए, हरे प्लस ए एक ही जगह पर फिर आए करेंगे तो ए से जुड़ेगा, ये पीछे रहेगा, पीछे वाले ये पर एक ही मात्रा लग जाएगी और हरा ये शब्द बनेगा। वो प्लस अनम, ओ की जगह पर हम यदि ओ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो ओ के स्थान पर अब कर देंगे, क्या कर देंगे अब, तो बनेगा अवनम। बिल्कुल सही है, विष्णु प्लस ई ओ की जगह पर अब करेंगे तो वैष्णव शब्द बनेगा, लेकिन ई पीछे है तो वैष्णवी शब्द बनेगा। बिल्कुल सही है, गे प्लस अके, ऐ के बाद अक है, ऐ के स्थान पर आय कर देंगे और शब्द बनेगा गायके, क्योंकि ए आ जाएगा इसमें अलंत वाले ये में और शब्द बन जाएगा गायके। बिल्कुल सही है, आगे देखिए नय प्लस अके, नायके बनेगा, वो प्लस उके, उके हैं उनकी मात्रा आप पर, क्योंकि औ की जगह पर हम क्या कर देंगे बच्चों आप कर देंगे और शब्द बनेगा भावके है। अग्नौ प्लस ई, शब्द बनेगा अग्नावी, क्या बनेगा अग्नावी। तो इस प्रकार पूर्व पद के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो हम पूर्व पद के स्थान पर इन इन परिवर्तनों को कर देते हैं या इन इन आदेशों को कर देते हैं। बिल्कुल सही है, ये है आपके आदि संधि जिसे हम एच सूत्र से करते हैं, ये रहा आपका। तो इसके बाद नेक्स्ट संधि पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।